तो आप देख सकते हैं मेरी खुखड़ी की सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। इसमें हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं अभी बनाने वाली हूँ खुखड़ी, यानी कि मशरूम जो देसी वाला होता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। और वो बहुत ही अच्छा है, पापा भी तुरंत खरीद के लाया, मार्केट से ताज़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बना देती हूँ, क्योंकि सभी लोग रात में खा लेते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मशरूम। ये आप देख सकते हैं, ये टेटनेस वाला खुखड़ी है जंगली, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बिल्कुल मटन के जैसा। और मैंने उधर प्याज काट के रखा है बारीक। और मसाले में मैंने लिया है धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, जीरा और लहसुन का पेस्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं। और मैंने तेज़पत्ता भी लिया हुआ, और इसमें आप मटन मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इधर MDH का मटन मसाला लिया है 1 पाउच। और इधर मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। चलिए अब इसमें तेल को डालते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इधर इसमें तेल डाल दिया है। तो तेल मैं इससे 2 चम्मच है मेरा नापने वाला, तो मैं उसी से डाल रही हूँ 2 चम्मच। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मटन जैसे हमें इसे बनाना है तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। तो इधर हमारा तेल जो है गर्म होने वाला है, ये देखिए गर्म भी हो रहा है। और तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। तो मैंने यहाँ 4 तेज़पत्ता लिया हुआ है, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने प्याज जो काटा हुआ था, वो सारा प्याज जो हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, जब तक प्याज जो है हमारा ब्राउन नहीं हो जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है प्याज को ब्राउन करने में। इधर आप देख सकते हैं प्याज हमारा सुनहरा गुलाबी होने तक भून चुका है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले पता क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मसालों को डालेंगे। जो हमने मसाला निकाला हुआ था वो सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए प्याज को अच्छे से भून चुके हैं। चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं। और रोटी चूल्हा मैंने बना लिया, बस इसको बनाना बाकी है। मैंने कुछ और सब्जी बनाई हुई थी, तो पापा बोले फ़ोन करके कि मैं लेके आ रहा हूँ, तो तुम प्याज वगैरह काट के रखना, इसलिए मैंने पहले से ही प्याज को काट के रखा था। उसके बाद अभी मैं ये बना रही हूँ, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। चलिए मैं आपको ये रेसिपी बताऊँगी कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ और ये कैसे बनता है। तो ये खाने में जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल मटन के जैसा। तो बहुत सारे लोग को ये पसंद आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, ये मेरा फेवरेट। हर एक फूड का खुखड़ी भी होता है, वो गोल होता है, इसलिए हम लोग टेटनस खुखड़ी कहते हैं। तो चलिए आज टेटनस खुखड़ी की रेसिपी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जो सूखे मसाले, उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि सूखा मसाला कभी तेल में ऐसे नहीं डालना चाहिए, हमेशा घोल बना के ही डालना चाहिए। इस मसाले में मैंने लिया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बाकी काली मिर्च, जीरा और लहसुन तो मैंने पेस्ट बना लिया था। और इन मसालों को हम अच्छे से घोल के मिला के डाल देंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो अभी टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, नहीं तो इसमें हम लोग टमाटर भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। लेकिन मेरे पास अभी टमाटर नहीं है, तो मैं स्किप कर दे रही हूँ। अगर होता तो ज़रूर डालती, अगर आप लोग के पास है तो आप लोग डाल सकते हैं, उससे और अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो मैंने सारे मसालों को इधर डाल दिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालूंगी, क्योंकि इससे मसाला जलता है तो अच्छा नहीं लगता है। पानी डालने से थोड़ा मसाला जो है अच्छा भुनाता है। हम इसमें मसाले को अच्छे से डाल के भून लेते हैं। और नमक को मैं बाद में ही डालूंगी, अभी नहीं, मशरूम को डालने के बाद। और इधर देख सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से मैं भून रही हूँ। और जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। नमक को हम बाद में ही डालेंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से भून ले रही हूँ इसको जब तक। तो मसाला हमारा आधा जो है भुन चुका है, थोड़ा इसे और भूनना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। बारी आती है इसमें खुखड़ी डालने की, यानी कि मशरूम, तो हम इसमें डाल देते हैं। मैंने इससे पहले से धो के अच्छे से काट लिया था मशरूम को, और तभी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसे मिला लेते हैं, उसके बाद ऊपर से हम इसमें नमक डालेंगे। इसको मिलाने के बाद ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले नहीं किया जाता है। अगर ऊपर से डालेंगे तो मशरूम के अंदर तक नमक जो है जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है देखने में। अब बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की। तो चलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और नमक डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे अच्छे से खाने में। तो चलिए हम इसमें नमक ऐड कर देते, अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे थोड़ी देर पका लेंगे हम। इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मसाला आप देख सकते हैं नीचे कढ़ाई में चिपका हुआ है। तो हल्का पानी डाल के हम इसे देखिए भून लेते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तेल भी छोड़ दिया है।
अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसका ग्रेवी वाला हल्का बना रहे हैं तो अच्छा लगता है ग्रेवी वाला। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगता है। और जो मटन मसाला है वो हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए पूरा अच्छे से तेल छोड़ दिया है हमारा खुखड़ी। अब हम इसमें डालते हैं मटन मसाला। ये मैंने MDH का मटन मसाला लिया है। आप चाहे तो गरम मसाला यूज कर सकते हैं आपके पास नहीं है तो, पर मेरे पास था तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इसे मिला लेंगे, उसके बाद इसमें बारी आती है पानी को डालने की। तो मिलाने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला के हम 5 से 8 मिनट तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब इसमें बॉयल आने लगेगा उबाल, तब हम इसे उतार देंगे। अगर मेरे पास धनिया पत्ता रहता तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ आप लोग डाल दीजिएगा, ताकि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, तैयार है हमारी जंगली खुखड़ी टेटनेस वाली। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है देखने में, बिल्कुल मटन के जैसा लग रहा है ना देखने में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये टेटनेस वाली खुखड़ी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।